छोड़े, जब मैंने सुबह के ये वाला गेट खोला तो तेरह के तेरह चूजे इधर थे सारा। देखे उन्होंने क्या हशर किया हुआ, तेरह के तेरह चूजे बाहर थे और ये मेरी मेहनत जो मैंने आधे घंटे ही करी वो सारी गायब हो गई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? तो अभी मैं ऊपर आया और मुर्गियों की अपडेट वगैरह ले लेते थोड़ी सी। तो अंडा तो कोई भी नहीं आया था, एक सुबह अंडा आया था वो मैंने उठा लिया था सुबह, मतलब अभी दो तीन घंटे पहले। तो बाकी वाली मुर्गी कूड़ों के, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था, मुर्गी को मैं अलग कर दूंगा इससे पहले। तो अभी भी ये मुर्गी कूड़ों की ये देख ऐसे फूल ली है, जबकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है, अभी ऐसी बैठी हुई है खाली ना। तो ये भी 6 तारीख को हुई थी कूड़ों, तो आज है 13, तो तकरीबन इसको अभी 7 दिन हो गए हैं। तो इंशाल्लाह 3-4 दिन में और ये कूड़ों रहेगी, उसके बाद सही हो जाएगी। इसको मैंने अलग ही इसमें से किया हुआ, वरना ही जाके ना उस पोर्शन के अंदर बैठ जाती है। बाकी ये दोनों फीमेल जो है लेंग कर रही हैं, ये वाली फीमेल कुड़क नहीं हुई थी, उसने बस इसका जब 12 से 13 अंडे हो गए थे स्टॉप हो गए थे, उसके बाद उसने अंडे नहीं दिए, कुड़क नहीं हुई। उसके बाद इसने 10 दिन में दोबारा अंडे देने स्टार्ट कर दिए। ये वाली फीमेल जो है ये कुड़क हो गई है, देखें कुड़क है मगर मारती नहीं है जैसे बाकी मुर्गियाँ होती है ना कुड़कों की, वो मारती है। ब्रामा के बारे में मशहूर है, ये बहुत फ्रेंडली बर्ड्स हैं, देखें बिल्कुल भी नहीं मार रही, गुस्सा कर रही है लेकिन मार नहीं रही। तो बस ये अपडेट है अभी फ़िलहाल इन लोगों की, मुर्गियों की। इनको मैंने अभी अलग किया हुआ है, जैसे ही ये कुड़ों के साथ ख़त्म होता है फिर मैं साथ कर दूँगा। बाकी चूज़े आ रहे हैं माशाल्लाह और जा भी रहे हैं, मैं आप लोगों को नीचे जाके चूज़ों की अपडेट दे देता हूँ कि क्या सेटअप है। बाकी चूज़ों को जो मैं बता रहा था कि हम लोगों ने कुछ चूज़ा अपने लिए पाल लें, 10 से 12 चूज़ों का मैंने सोचा हुआ है इन चारों को उस पोर्शन में करके अच्छी खासी बड़ी जगह हो जाएगी हमारे पास ये ना। तो यहाँ पर 10 से 15 चूज़े जितने भी हम रख रहे हैं उनको अगले सीजन के लिए तैयार करने के लिए ये जगह बेहतरीन हो जाएगी उनके लिए। या तो इस जगह पे कर लेंगे या फिर वो पोर्शन कर लेंगे, तो मेरा ख्याल है वही वाला पोर्शन कर लेंगे, क्योंकि वहाँ से फिर चूज़ों का बाहर नहीं बल्कि वहाँ तो सेटअप हुआ हुआ है पूरा उनका, तीनों मुर्गियों पर लगा हुआ है, तीनों डब्बे रखे हुए, तो इधर ही करेंगे बस। फिर बस अभी चलते हैं नीचे चलते हैं और चूज़ों की अपडेट भी दे देते हैं आपको, चूज़ों का क्या चल रहा है। बस मैं चूज़ों के पोर्शन में भी आ गया हूँ माशाल्लाह, यहाँ भी सब कुछ है, ये देखें माशाल्लाह से। मैं लाइट खोल लूँ फिर सही से देखेगा, तो देखिए माशाल्लाह से 18 चूज़े अभी इसके अंदर है, बाकी 2 चूज़े उधर हैं अभी जो आज मैंने शिफ्ट कर दिए हैं। इनक्यूबेटर भी माशाल्लाह बिल्कुल सही चल रहा है, टेम्परेचर वगैरह देखें, ये चूज़े ये अंडे जो हैचिंग के ऊपर है, बाकी ये देखें नीचे भी चूज़े हैं 2, ये आज मैंने शिफ्ट करने हैं। बाकी इनमें से जो है 6-7 चूज़े जो सेल किए हैं, बाकी चूज़े जो है हम लोग अपने लिए रखने हैं। तो मैंने सोचा था यहाँ पे पूरे आएंगे नहीं चूज़े, मतलब छोटे वाले चूज़े हैं जो नए मैं ऐड करूँगा, जैसे ये जो है ये देख रहे हैं कैसे लहर सी आती है, तो वो छोटे चूज़ों को दबा देते हैं और फिर बाद में खाने वाने का मसला हो रहा है, छोटे चूज़ों को खाने का नहीं मिलता, ज़ाहिर है बड़े वाले थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होते वो, तो इसलिए मैंने सोचा था इनको इस पिंजरे में शिफ्ट कर दूँगा। मैंने इस पिंजरे के अंदर कल आधा पौन घंटा लगा कर ना, नज़र पता नहीं आ रहा हो ना आ रहा हो दिखाता है, मैंने आधा पंद्रह घंटा लगा के इस पर जाली लगा दी थी, देखें पतली जाली लगी हुई है इस पेड़ पर, पढ़ना इसकी जो ज़मीन थी वो ऐसी थी, अब चूज़े का पैर में से नीचे गुजर गया था, तो मैंने देखिए जाली लगा दी थी पूरे अंदर जाना पिंजरे के ऊपर। अब सीन क्या हुआ, मैंने जब इनको छोड़ा ना तो पूरा कल का दिन तो सही गुजरा, कल उनको पैर में चले भी गए थे, रात में जब आया तो सब सही थे माशाल्लाह, मगर जब मैं सुबह आया ना तो इसके अंदर मैंने 13 चूज़े छोड़े थे। जब मैंने सुबह के ये वाला गेट खोला तो 13 के 13 चूज़े इधर थे सारा, देखे उन्होंने क्या हशर किया हुआ, 13 के 13 चूज़े बाहर थे और इधर उधर घुसे हुए थे, मुझे टेंशन है, मैंने कहा एक आधा चूज़ा इधर निकल गया तो पता नहीं लगेगा कौन सा निकल गया, फिर जब मैंने गिनती करी तो 13 ही थे माशाल्लाह पूरे थे। फिर मैंने इनको वापसी इसमें शिफ्ट कर दिया ताकि कम से कम सेफ तो रहें, क्योंकि ये चूज़े ना निकल कैसे रहे थे, ये तो मैंने खैर बंद कर दिया था, निकल रहे थे इन जगहों से, अब इतनी सी जगह है वहाँ से चूज़े बाहर आ रहे थे, ये देखिए इतनी जगह है, 2 उंगलियाँ भी अंदर नहीं जा रही और यहाँ से एक चूज़ा बाहर निकल रहे थे, एक निकला उसके पीछे पीछे सारे निकल रहे, तो ये पिंजरे वाला आइडिया तो फ्लॉप रहा, सारी मेरी मेहनत जो मैंने आधे घंटे ही करी वो सारी गायब हो गई। खैर गाया तो नहीं चले, बाद में चूज़े थोड़े बड़े हो जाएंगे, 10 से 15 दिन के हो जाएंगे, 10-15 दिन के तो अभी हैं, खैर 2 से 3 हफ्ते के हो जाएंगे, फिर इंशाल्लाह उसमें शिफ्ट कर देंगे, फिर बाहर निकलने का खतरा नहीं होगा। उसके बाद तो फिर जब 1 महीने हो जाएंगे फिर तुमको ऊपर ही शिफ्ट करना है। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही है, थोड़ी अपडेट वगैरह आपके साथ शेयर करनी थी चूज़ों की मुर्गियों की, अभी इसके अंदर है चूज़े सेल के लिए भी, अगर किसी को चाहिए हो तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर ले, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल नंबर मिल जाएगा व्हाट्सएप का, तो उस पर कांटेक्ट कर ले, चूज़े इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएंगे। और बाकी अगर 1-2 महीने के चाहिए हो तो वो भी मिल जाएंगे, क्योंकि अभी हम अपने लिए मैं रख रहा हूँ ना, तो उसमें से अगर किसी भाई को चाहिए होंगे तो वो भी मिल जाएंगे, कोई मसला नहीं। बाकी अंडे इनक्यूबेटर में तो लगे हुए हैं, तो इंशाल्लाह और चूज़े भी आते रहेंगे, तो
तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी किसी और ब्लॉग में मुलाकात होती है आपसे, जब तक मिलना।